ट्रक है ना, कितनी दिक्कत आती है। जैसे बजरी मिल रही है, आराम से मिल रही है बजरी। अरे मैं तो साइड में लेके जा रहा हूँ, अब भर के कहाँ जाते हैं। आप तो पैसा दे रहे हो इन लोगों को, कितना एक्स्ट्रा पैसा देना, एक्स्ट्रा पैसा कितना देते हो आप लोग? एक रुपए देते हैं हम तो। लेकिन हम पहुंचे ग्राउंड जीरो पर। देखिए आशुतोष, एक के बाद एक वो दूसरी गाड़ी है, ये वो रिंग रोड है जो जयपुर की टाइमिंग मानी जा रही है। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि वो फिर वो गाड़ियां दिखाए। आप ये यहाँ पर देख रहे हैं पूरी तरीके से अवैध जो बजरी खनन कारोबारी हैं, वो इन ट्रकों को ओवरलोड कर यहाँ से ले जाते हुए आप ये यहाँ पर देख रहे होंगे। और किया बजरी खनन के गोरख धंधे का पर्दाफाश। ऑपरेशन बजरी, तो ये तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। जी मीडिया की टीम ने बीड़ा उठाया अवैध बजरी खनन के गोरख धंधे की सच्चाई आपके सामने लाने का। इसके लिए हमने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और जो हमने देखा वाकई में चौंकाने वाला था, हैरान करने वाला था। जी मीडिया की टीम ने सबसे पहले जल्दी सुबह शहर के अंदर गांव वाले क्षेत्रों से गुपचुप गुजरने वाले ट्रकों का पीछा करना शुरू किया और देखा कि आखिर ये किन रास्तों से निकल कर जाते हैं। ट्रक गुप्त रास्तों से निकल रहे थे और उन्हें रास्ता पार करा रहे थे बजरी वाले ट्रकों के ठेकेदार। ये सभी तस्वीरें एक एक कर जी मीडिया के कैमरे में कैद होती जा रही थी। छोटे निर्माण कार्यों से लेकर बड़े बड़े बिल्डर्स की साइट्स पर अवैध बजरी के बड़े बड़े ट्रक पहुंच रहे थे और खाली किए जा रहे थे। अवैध बजरी के कुछ ट्रकों और ट्रैक्टर्स का पीछा करते हुए जी मीडिया की टीम मुहाना वाटिका के ग्रामीण क्षेत्रों में जा पहुंची, जहां हमारी टीम ने ट्रक चालकों से अपने गुप्त कैमरे से अवैध बजरी के बारे में जानकारी लेनी शुरू की। भाव बता, क्या भाव है? कैसे क्या कुछ लाया जा रहा है, भाव बता दो, किस भाव लेके आते हो? 2000 रुपए, 900 रुपए टन लेके आते हो। आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है गाड़ी का? चोर रास्तों से लेके जाना, कैसे लेके जाते हो? कोई रोक टोक होती होगी? लोकेशन देख के, कोई आपको पुलिस वगैरह कोई नहीं रोकता? लोकेशन ये देखिए बजरी की जो इसकी जो क्वालिटी है, बजरी की क्वालिटी का आपको देखने लगेगा ये कहाँ से आई। रोशन, ये कहाँ की बजरी है? देखिए ये जो बजरी है किस तरीके से राजधानी तक लाई जा रही है, जो बनास नदी है उसकी ये बजरी है। आप बिल्कुल इस पूरी खेप को देख सकते हैं आप, ये जो पूरी बजरी है कौन सी नदी से लाई जा रही है आप ये बताएंगे थोड़ा? खाली करने की कोई वो नहीं है, हम आपको कोई रोकरे टोकरे नहीं है। आप केवल इतना सा बता दीजिए ये जो बजरी है कौन सी नदी से लाई जा रही है? नियम डेटा होता है इनका, अब कौन कौन लोग होते हैं जो आपको ये भरते हैं, किस तरीके कौन कौन से जानते हैं? वहाँ पे बहुत सी स्टॉक है, वहाँ पे तो बहुत सी स्टॉक रहते हैं। अब आप हट रहे, खाली करवा दूंगी गाड़ी में। RJ14 नंबर का ही, यानी कि RJ14 12 98 ये गाड़ी का नंबर है, जयपुर का ही ट्रक है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता ये कहीं बाहर का होगा। जब हमने रोकने की कोशिश की है, टोकने की कोशिश की है, तो अचानक से हड़बड़ाहट हो रही है, पुलिस का नाम ले रहे हैं तो हड़बड़ाहट हो रही है। एक बार बोला नहीं, हम उनसे बातचीत करके ही आते हैं, आमतौर पर ऐसे देखने को मिलता है। ये बहुत ही आम बात है इस पूरे इलाके में, कैसे इन चोर रास्तों से ये जो बजरी के बड़े बड़े ट्रक हैं अवैध तरीके से यहाँ से निकलते हैं और पूरे सिस्टम को चूना लगाते हुए निकलते हैं, और शायद जब कहीं पकड़ में आ जाते हैं तो संभवतः कार्रवाई हो भी जाती है, लेकिन समय समय पर यह बात भी सामने आती है कि कैसे जयपुर पुलिस से सेटिंग करके सांड गार्ड करके ये लोग यहाँ तक चोर रास्तों से गुजरते हैं। तो आगे भी इसकी पड़ताल हम आपको दिखाते रहेंगे। मेरे सहयोगी मनीष और रोशन दोनों लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि ये काम इतना आसान भी नहीं था। हमारे सहयोगी, हमारे जो रिपोर्टर्स थे, उनको धमकी भी मिली, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हम पीछे नहीं हटे क्योंकि हमने बीड़ा उठा रखा था सच आप तक पहुंचाने का। एक के बाद एक वो सैकड़ों ऐसे ट्रैक्टर और जो ट्रक हैं वो इन चोर रास्तों से किस तरीके से पहुंच रहे हैं, जो बजरी माफिया है उनकी तरह आप ये जो बजरी ला रहे हैं कहां से ला रहे हैं, क्या कुछ बताएंगे कहां से ये बजरी लाई जा रही है, कौन से स्टॉक के ऊपर से, किस रेट में आप ये बेच रहे हो बजरी? तो
ये जो ट्रैक्टर की आप जो रेट दे रहे हो 6,000, 5,000, 4,000, अगर पुलिस आपको मिल जाती है या खनन विभाग के जो लोग मिल जाते हैं, किस तरीके से आप उन लोगों से आप बचकर निकलते हो? सर जी, उनको नहीं, अगर आपको कोई पुलिस वाला मिल जाता है, आपको मालूम है ट्रैक्टर जब्त कर दिया जाता है, जेल हो जाती है, आपका जो साधन जब्त कर दिया जाता है, उसके बावजूद आप उन तमाम लोगों से कैसे बच के निकलते हो? सर क्या है कि हम तो कभी कभी आते तो हमारे साथ पैसे आते नहीं होंगे। आराम से बताओ कि कहाँ से ये जो बजरी है ये लेके आते हो, आपको कितना बचता है, कितने में खरीदते हैं? आप तो अपने घर परिवार के लिए करते हैं, लेकिन कितना कहाँ से लाते हो? अणुता से लेके आते हो, वहाँ से कितने का ये ट्रैक्टर आपको पड़ता है, कितने का खरीदते हो? वहाँ से साहब हमारे ऊपर जाते हैं 4,000 रुपये का। और इसको आप आगे कितने में बेचोगे? इसको बेचूंगा साहब 5,000 रुपये में, 5,500 में। 5,500 में आप बेच दोगे। और रास्ते में जैसे आपको पुलिस मिल जाती है या खनन विभाग वाले, माइनिंग वाले अधिकारी मिल जाते हैं, उनसे कैसे बातचीत, कैसे कितना कितना देना होता सबको? सर हम तो हमारे को पैसा कभी मिला नहीं, हमारे को तो अभी तो कभी तक आज तक मिला नहीं। कभी कोई पुलिस वाला मिला हो कभी कहीं? नहीं सर, कभी नहीं मिला। हम तो 2-4 दिन चालू किए साहब। ये क्या कोई चोर रास्ते हैं, ये छोटे अंदर के रास्ते हैं? नहीं साहब, देखिए लाइव फुटेज हम दिखा रहे हैं आपको। ये वो दूसरा ट्रक यहाँ पर देखते ही देखते किस तरीके से, जो सुबह और जो काम का टाइम है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो फिर किस तरीके से ओवरलोड भरे हुए जो दूसरा ट्रक। इस रास्ते पर हमें रोक टोक का भी सामना करना पड़ा जब हमारी टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी थी और ट्रकों के ड्राइवरों से बातचीत कर रही थी, तो एक अनाम शख्स हमारे रास्ते में आया और हमारे सी राजस्थान के संवाददाताओं से बदतमीजी करने लगा। आप आराम से बात करो, ये जो बजरी है कहाँ से आप लेके आ रहे हो? मैं क्यों लाऊंगा बजरी, मैं तो साइड पे खाली कर रहा हूँ। आपकी कौन सी साइड है, आपकी क्या कुछ है, थोड़ा बताएंगे? मेरे को साइड नहीं, मुझे आप लोगों को तो दिक्कत होती होगी ना, जैसे बजरी नहीं मिलती। अरे हमारे को दिक्कत क्या होनी, मेरे को क्या दिक्कत होगी, बजरी लाने वाला जाने मैं क्या जानू यार, मेरा क्या मतलब? आपकी बजरी नहीं थी? नहीं मेरी नहीं थी, अभी तो आपके आपकी मैं तो कटरी से काम करता हूँ, मेरा क्या मतलब यार, शादी लेके आ रहा गाड़ी यार। तो फिर आप बता दो कि आपकी आपके ट्रक है हां मेरे, ये बता दो, तो यही पूछना चाह रहे हैं कि आपके ट्रक है ना, कितनी दिक्कत आती है, जैसे बजरी मिल रही है, मिल रही है बजरी? अरे मैं तो साइड में लेके जा रहा हूँ, भर के कहां जाते हैं? आप तो पैसा दे रहे हो लोगों को, कितना एक्स्ट्रा पैसा कितना देते हो आप लोग? एक रुपए देते हैं। देखिए लगातार जब हम ये बजरी खनन की जो खबरें उठा रहे हैं और खबर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, जो बिल्डर कॉम से हैं या खुद को बिल्डर कॉम से बताने का काम चल रहा है, लगातार हमारे रिपोर्टर से उलझने का कोशिश कर रहे हैं। इनके तकरीबन 4 से 5 जो बड़े बड़े ट्रक हैं यहाँ से अवैध तरीके से गुजर रहे हैं, और जब हमने उनको रोकने की कोशिश की, जब हमने जानने की कोशिश की, तो किस तरीके से ये एक गुंडाई जो रवैया है वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। रोशन, क्या बातचीत की उन्होंने आपसे, किस तरीके से धमकाया आपको, क्या धमकाने की कोशिश की आपको? तो तमाम ये वो जो खनन माफिया है, किस तरीके से लड़ाई के ऊपर उतारू है, झगड़े के ऊपर तमाम तरीके से उतारू है, पूरा इनका एक ग्रोह बना हुआ है, और ये ग्रोह इस तरीके से काम करता है कि एक थाने से दूसरे थाने तक किस तरीके। मैं एक बार रोक रहा हूँ सहयोगी को बोलूंगा मनीष को, इस गाड़ी के नंबर पे फोकस किए, ये जो गाड़ी अब यहाँ से भाग रही है 8J14, इस गाड़ी को भी दिखाएं। ये देखिए कैसे हमने इनको रोकने का प्रयास किया, और जब पर्ची दिखाने की बात मेरे सहयोगी रोशन ने की, तो कैसे 9-2-11 यहाँ से हो गए, तकरीबन 2-3 ट्रक इनके यहाँ पे थे, 2 ट्रैक्टर इनके मौजूद थे, और जिनमें तकरीबन 5,500 रुपये की जो बजरी थी वो अवैध तरीके से इन चोर रास्तों से लाई गई थी। रोशन आशुतोष, देखिए ये जो बजरी है, ट्रक पूरी तरीके से ओवरलोड है, और इन ट्रकों के अंदर जब हम अभी ड्राइवर से बात कर रहे थे तो तकरीबन 22 टन तक यहाँ पर बजरी भरी हुई थी, जो पूरी तरीके से बिल्कुल गलत है, जो नियमों की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद किस तरीके से जो बजरी की अवैध माइनिंग हो रही है और वो बाजार तक पहुंच रही है। तो देखिए ये जो पड़ताल है हम आगे भी अपनी जारी रखेंगे, इसी तरीके से चोर रास्तों का खुलासा करते रहेंगे, ये बताते रहेंगे कि ऐसे प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे ये चोर रास्तों से निकलते हुए अवैध खनन जारी रख रहे। सहयोगी रोशन और मनीष के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो देखा आपने किस तरीके से ये पूरा कारोबार चल रहा है। मनीष पारिक साहब, अर्चना शर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर से हैं। मनीष पारिक साहब, पूरी रिपोर्ट आपने देखी जी? सर अब ये बताइए कि ये किसकी उपलब्धि? जी संजय,
जी निश्चित तौर पर ये कुछ जो भी गतिविधि चलती है इसके लिए कानूनी व्यवस्था है, इन पे मुकदमा होगा, कार्रवाई होगी। बड़ी बात ये भी है कुछ जगह लीज पे अलाउ है, और उस जगह जब लीज दे रखी थी और जिसमें आपने देखा कि जो नदी की बजरी नहीं है उसके लिए भी कानून इस तरह का था, उसमें रोक लगा दी गई। सर ये बताइए, पारिक साहब साफ साफ बताइए, घुमाइए मत, अब वो जो सरकार आपकी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है, चोर रास्ते से बजरी का खनन हो रहा, अगर वाकई में नहीं होता तो शहरों तक ये बजरी पहुंचती कहां से, ये जानकारी नहीं है क्या आपको? तो फिर क्रेडिट लेने से पीछे क्यों भाग रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल, मैंने आपको कहा जो जिसकी रिपोर्ट होती है, जब जांच होती है, निश्चित तौर पर इस तरह के प्रकरण पकड़ में आते हैं और उन पर कार्रवाई भी होती है। ऑनरेबल कोर्ट ने जो बात की है, जब उस पर स्टे किया हुआ है और वो उसका खनन नहीं हो सकता है बजरी का, ये बात हुई है, तो कुछ जरूरतमंद लोग इस तरह की गतिविधि अगर करते भी हैं तो उन पर निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई होती है। आपने जो स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है ये बिल्कुल सराहनीय प्रयास है और मुझे लगता है कि इस पर भी कार्रवाई होगी। चार साल से ऊपर आपकी सरकार को राज्य सरकार में हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं चला, सोचिए हमारे रिपोर्टर पहुंच गए, अर्चना शर्मा जी आपसे जवाब पूरे मामले पर, सरकार की उपलब्धि है क्या? नहीं, ये तो अभी की बात है, मैंने आपको कहा बजरी पर रोक लगाने की बात। संजय जी, ये पूरा जो आपका ये ऑपरेशन हुआ जिसमें सारी वास्तविकता का खुलासा हुआ, इसके लिए मैं एक तो दीपक जी को और आशुतोष जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ऐसे जितने भी घटनाक्रम संज्ञान में आए, बजरी माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि जब ये सारा सड़क पर चल रहा था तो मैं विचलित थी, क्योंकि ये लोग किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने उसे कुचलने तक से परहेज नहीं कर रहे। धौलपुर में जो सीआई थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, अभी दो दिन दिवस पूर्व पता चला कि कोई डंपर रोकने के लिए पुलिस अधिकारी गए तो सिपाही को बिठा लिया और डंपर लेकर के भाग गए, और वो जो माफिया का आदमी था वो खुलेआम धमका रहा था। देखिए, हमने बजरी को लेकर के एक प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया विधानसभा सत्र के दौरान, हमने ये कहा कि बजरी के खनन पर रोके तो अवैध खनन क्यों जा रही है। तो हमें जब खुलासा हुआ आरटीआई के माध्यम से तो पता चला कि सर्वोच्च नेतृत्व जो है सत्ता में बैठे हुए, उनके इशारे पर बनास क्षेत्र में, देखिए अवैध खनन कौन करता है पहले मैं स्पष्ट कर दूं, जिनके पास पहले से लाइसेंस था और जिस पर अभी प्रतिबंध है न्यायालय के माध्यम से, तो ये काम किसे करना था, रिफर्बिशमेंट प्लान देना था और न्यायालय को संतुष्ट करना था, ग्रीन ट्रिब्यूनल को संतुष्ट करना था, उसका मोर्चे पर सरकार विफल रही। उसके बाद जो माफिया उसे संरक्षण देते हुए यहां के डीजीपी ने 700 पुलिसकर्मी भेजे और वो जो खनन क्षेत्र था उस पर कब्जा करवाया और वहां से अवैध खनन जारी। आपको चले जाइए टोंक रोड पर और बनास क्षेत्र में रात को जाकर देखिए कि ट्रक्स की जो लाइट्स है हेडलाइट्स, उसके आधार पर अंदाजा हो जाएगा हजारों ट्रक्स वहां से निकलते हैं, पुलिस सुरक्षा में निकलते हैं, स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में निकलते हैं, और बी2 बाईपास पर आप जाकर देखिए रात में जयपुर के, वहां पर ये ट्रक बेरोकटोक शहर में एंटर करते हैं। अब समस्या क्या है कि आजीविका तो प्रभावित हुई है लोगों की जो इस काम में संलग्न थे, लाखों लोग घर बैठे हैं, लेकिन ये बजरी जिस पर रोक है वो धड़ल्ले से 6-7 गुना दरों पर उनको मिल रही है जिनके रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, जो सत्ता में भागीदार है और जिनके पास आसानी से पहुंच रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हर चीज का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्वलन पारिक साहब आपसे जवाब लेंगे, अर्चना शर्मा जी जनता प्रभावित है, फिर सरकार बिल्कुल आपको जानकारी है और मुझे हैरानी है कि वाकई में पारिक साहब को इन चीजों की जानकारी नहीं है, कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, कानून है। एक और रिपोर्ट, एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, उसके बाद आप दोनों के पास आएंगे। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि ये खेल बिना पुलिस और प्रशासन की मदद से चल नहीं सकता है, तो हम ढूंढने लगे उस कड़ी को जो इस पूरे कारोबार में कहीं ना कहीं मदद कर रही थी। आखिरकार हमें एक कड़ी मिल भी गई, वो कड़ी थी सांगानेर सदर थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल हजारी लाल विश्नोई। कैसे, खुद सुनिए, खुद देखिए। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के सांगानेर सदर थाने में आने वाले वाटिका क्षेत्र में अवैध बजरी के ट्रकों का पीछा करते हुए जब हमारी टीम गांव के अंदर पहुंची तो एक पुलिसकर्मी बजरी के अवैध ट्रकों को पास कराने की ड्यूटी में तैनात था, जिसके बदले में उसे नोटों की गड्डी मिलने वाली थी। अवैध बजरी के दो ठेकेदार अपने बड़े ट्रकों को वाटिका गांव से निकालने के लिए सेटिंग कर चुके थे। दरअसल अपनी ड्यूटी छोड़ सांगानेर सदर का हेड कांस्टेबल हजारीलाल बिश्नोई इन ठेकेदारों से उगाही करने के लिए बेखौफ गांव के चौराहे पर अपनी बाइक और एक काले रंग के बैग के साथ मौजूद था। एक एक कर वो अवैध बजरी के ट्रकों को पार कराता रहा और जी मीडिया के गुप्त कैमरे में सारी तस्वीरें कैद होती चली। ट्रक निकालने के एवज में दोनों ठेकेदारों ने जयपुर पुलिस के हेड कांस्टेबल हजारीलाल बिश्नोई को नोटों की मोटी गड्डी भी थमाई, जो पुलिसकर्मी ने अपने काले रंग के बैग में रखवा ली। जी मीडिया की टीम के मौके पर होने का थोड़ा आभार पुलिसकर्मी को होने लगा, इतने पर भी उसके पैसों की भूख नहीं मिटी और बजरी के दोनों ठेकेदारों से और रुपए लेने की सौदेबाजी के लिए वो एक दुकान के अंदर ले गए।
दुकान के अंदर दोनों ठेकेदारों ने एक एक कर जेब से नोटों की गड्डी निकालनी शुरू की और गिनकर हेड कांस्टेबल हजारीलाल बिश्नोई को दी। इतने पर पुलिसकर्मी को आभास हुआ कि शायद वो कैमरे में कैद हो चुका है। जब जी मीडिया की टीम ने बताया कि उसका वीडियो कैमरे में कैद हो चुका है तो हेड कांस्टेबल हजारीलाल बिश्नोई दबे पांव मौके से भागने लगे। ऑपरेशन बद्री में जी मीडिया ने अपनी इस रिपोर्ट में महज राजधानी की एक वानगी दिखाई। सूबे की सरकार, पुलिस मुख्यालय, पुलिस कमिश्नरेट और माइनिंग विभाग की नाक के नीचे आखिर कैसे बेखौफ होकर बजरी माफिया, बजरी के ठेकेदार सिस्टम को ठेंगा दिखा रहे और जयपुर पुलिस के चंद पुलिसकर्मी ड्यूटी का सौदा कर खाकी को बदनाम कर रहे हैं। बहरहाल अवैध बजरी का ये खेल पूरे प्रदेश में सक्रिय है। जरूरत है स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सजग होने। आशुतोष के साथ रोशन, जी मीडिया, जयपुर। पारिक साहब, पूरी रिपोर्ट ये भी आपने देख लिया, अब ये बताइए कि पूरे मामले पर क्या करेंगे आप? सर, साढ़े चार साल आपकी सरकार को हो चुका है, चार साल केंद्र की सरकार को हो चुका है, आप आज चार साल पूरे होने पर जस्ट मना रहे, लेकिन सर ये बताइए, ये तस्वीर देखने के बाद सवाल तो खड़े होते नहीं? संजय, बात सही है, निश्चित तौर पर गैर कानूनी गतिविधि के लिए पूरा व्यवस्था होती है, उन पर FIR दर्ज होती है, उन पर कार्रवाई होती है, दांडिक कार जो प्रोसीजर है वो पूरे फॉलो किए जाते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं। लेकिन जो ये परिस्थिति अभी आई है, इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी में मत जाइए, हमारे टाइम तो नहीं होता। पारिक साहब सुनिए सीधा सवाल, पुलिसकर्मी का नाम हमने बताया, रास्ता हमने आपको बता दिया, खरल कहां से हो रहा है ये बता दिया, कहां कहां तक माल सप्लाई किए जाते हैं ये बता दीजिए, दिया इसके बाद भी आप कांग्रेस पर जा रहे हैं जी। आपने अपना काम किया है, सरकार अपना काम, आप कब करेंगे अपना काम? और इस बारे में जो भी मैंने आपको कहा, निश्चित सर सीधा कहिए कि कार्रवाई कब होगी, बस हम इतना जानना चाहते हैं। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है वो इस पर कार्रवाई होंगे, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार इस तरह की गतिविधि को अनदेखा नहीं करेगी। और सर साढ़े चार साल बीत चुके हैं, जो ये साढ़े चार साल बीत चुके हैं, अब तक आपके हिसाब से तो रास्ते नहीं पते थे, रास्ते की जानकारी नहीं थी कि कहां से खनन हो रहा है, बल्कि अधिकारी पुलिस करने लगे पड़े। नहीं, संजय जी, पर मेरे को इस तरह की जानकारी नहीं है संजय जी, पक्की बात। सर जानकारी, सर जानकारी आप, पारिक साहब आपको सारी जानकारी है, ऑपरेशन कर, पारिक साहब आपको सारी जानकारी है, डिफेंस कर रहे हैं, कार्रवाई होगी। अर्चना शर्मा जी बोलिए, सारी जानकारी कैसे हो सकती है संजय? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब अब तो हुई है ना, आपने कहा अब निश्चित तौर पर आया है तो बात कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो आप अपनी मजबूरी या यूं कह सकते हैं कि एक बता रहे हो कि साहब मुझे अब पता चला है हमारी सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक लाचड़ता बयां की है वहां जाकर के और कहा कि साहब हम अवैध खनन को नहीं रोक सकते। ये सीधा संदेश था आपके लिए और मेरे लिए चिंता का, और दूसरा संदेश था उस खनन माफिया के लिए कि आप अपने हौसले बुलंद रखिए, प्रशासन शासन के मिलीभगत से इस काम को अंजाम दीजिए। और खुलेआम धड़ल्ले से प्रतिदिन हो रहा है, और मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आता है, हमारे जाबाज रिपोर्टर्स जो हैं ऐसे खनन माफिया से मुकाबला कर रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी, कैसी कार्रवाई होगी? रोज पता चलता है कि पुलिस की गाड़ी आगे चलती है और बजरी का ट्रक पीछे चलता है, ट्रैक्टर्स में बजरी का दोहन हो रहा है। आपके एक विधायक अलवर से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने तो वैध खनन पर रोक लगाने का काम किया, हमने मुद्दा उठाया तो अगले दिन वो शुरू हुआ, लेकिन अवैध खनन को लेकर के ना आप जागते हो ना सरकार, और संदेश ये जाता है पारिक साहब कि आपकी, पारिक साहब, अर्चना शर्मा जी को इतना तक पता है कि पुलिसकर्मियों की गाड़ी आगे आगे चलती है, सर साफ साफ बोल दीजिए कि कब तक कार्रवाई होगी? अब ये मत कहिएगा कि अभी जानकारी हुई है, प्रोसेस चलेगा। सर तारीख बता दीजिए, अगर आपको रास्ता पता हो गया, कहाँ से खनन होता है, कहाँ पर सप्लाई होती है, कितने में रेट तक पता हो गया, टॉंक रोड पे तो बोलने में क्या जाता है? आप यकीन मानिए संजय, यही मैं कह रहा हूँ कि कार्रवाई तो निश्चित है ही, पर ये जो आप कांग्रेस जितनी गैर जिम्मेदाराना बात कह रही है, ऐसी बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं इससे मकान बनाए जाते हैं, सर गैर जिम्मेदाराना बात, और अगर भारतीय जनता गैर जिम्मेदाराना नहीं है कर रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की प्रशासनिक अधिकारियों ने जो बात वहाँ पर दी, हमने लिख कर दिया और ये लिख कर दिया है, ये बात सही है। जनता जो मकान बन रहे हैं, जिन श्रमिकों की बातें आप कर रहे हो, चलिए फिर आप कहेंगे सरकार की कोशिश करेंगे, हम समझ सकते हैं, लेकिन वाकई में साढ़े चार साल इसी सरकार का हुआ है। बने नहीं, सवाल नहीं, बनता है अगर ऐसे कारोबार हो रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप ये बताओ या तो भाई। अर्चना शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, मनीष पारिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत।